गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और सुबह आज है सैटरडे, सुबह के बज रहे हैं 9:30 हो रहा है और मैं निकल चुकी हूँ बाहर क्योंकि आज मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग है और सीढ़ियाँ उतर रही थी मैं, तो आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग है, मैं उसको मैं करने जा रही हूँ। वापस आके दिखाती हूँ क्या थी टर्निंग। तो मैं घर आ गई हूँ कटवा के अपने बाल और बहुत ही छोटे हो गए मेरे बाल, दिखाने लायक नहीं रहे। तो चलिए करते हैं इसको रिवील कि बालों का क्या हाल हुआ है। आइए छोटे तो नहीं है, ठीक है, अच्छे लग रहे हैं। उसने ना छोटे तो हुए हैं पर सारे जो अनहेल्दी हेयर था वो निकल गए हैं। हाँ तो बढ़िया है, फिर अब हेल्दी हेयर आएंगे। मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी, तो कैसे जाएगा, तो जाएगा कैसे, ऐसे ही जाएगा और कैसे जाएगा। ये देखो ना, पीछे है ही नहीं, नहीं। हाँ इतने तक आते थे, ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, कर ली वॉश करके देखेंगे कैसे निकलते हैं। अभी तो उसने खुशबू जेल डाल रखे हैं। अच्छा, नहीं अच्छे लग रहे हैं। कैसे लग रहा है मेरा नया लुक, मेरे नए हेयर कट, ज्यादा छोटे हो गए हैं। पहली बार मैंने इतना छोटा कराया है बहुत टाइम बाद। तो इनफैक्ट मैंने जर्मनी में ये सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम हेयर कट कराया। मैं हर बार बहुत ही ट्रिमिंग करा के आती थी, इसमें मैंने डिसाइड किया नहीं, थोड़ा लुक अच्छा देने के लिए थोड़ा चेंज ज़रूरत है। तो मैंने अपने बाल करा लिए, इतने छोटे स्टेप्स कराए हैं, अच्छे काटे हैं उसने, आई एम लाइकिंग इट। आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं। और हम लोग सारे नाश्ता कर चुके हैं, लंच कर चुके हैं और अब है जो बनने की तैयारी है, कुछ समथिंग स्पेशल फॉर द डे, क्योंकि आज है बसंत पंचमी। तो आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत मुबारक हो। बताइएगा क्या आप अपने घर में क्या क्या बनाते हैं मीठे में। फिलहाल मुझे जो एकदम क्लिक कर रहा है वो यही कर रहा है कि क्यों ना आज हम येलो चावल बनाया जाए। तो आज कुछ बनाते हैं येलो, उसके साथ बन रहा है हमारे घर में, आज सैटरडे है तो कुछ स्पेशल बनता है हमेशा। तो आज हम बना रहे हैं छोले भटूरे, तो उसकी रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही क्योंकि हम लोग पहले भी बहुत बार बना चुके हैं, तो ये हमारा बहुत फ्रीक्वेंट डिश है जो हम बनाते हैं। बट उसके अलावा मैं बनाने जा रही हूँ मीठे चावल, तो देखते हैं मीठे चावल कैसे बनाते हैं। मैं भी बहुत टाइम बाद ट्राई कर रही हूँ आज। तो चावल मैंने ले लिए, थोड़े ही लिए क्योंकि सारे तो नहीं खाएंगे, बहुत थोड़े से चावल मैंने ले लिए, मैं इनको धोने लगी हूँ। सो चावल बन गए हैं, अब हमने खाए नहीं, अभी मैंने भोग के लिए रख रखा है। तो बच्चे खेल रहे हैं अपना आराम से, स्किपिंग खेल रहे हैं, कुछ ज़्यादा काम नहीं है आज मेरा। मैं पीने लगी हूँ चाय, टी टाइम यहाँ टी टाइम थोड़ा जल्दी हो गया है। सुबह तो धूप अच्छी निकल रही थी, अब थोड़ा वापस वो हो चुका है, बरसात वाला मौसम लग रहा है। तो मेरा भी कुछ प्लान नहीं, मैं आराम से पहले चाय पीऊंगी, फिर देखते हैं कि आगे क्या काम करना है। और मैं सोच रही हूँ बस आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं छोलों में डालने के लिए, और बस छोलों का थोड़ा सा तड़का डालेंगे और फिर वेट करेंगे फ्रेंड्स की। आज हमारे पास मालविका एंड राज आ रहे हैं, बहुत टाइम हो गया था हम मिले नहीं थे। तो आज छोले भटूरे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आज हमारा थोड़ा देसी मूड है और उनको छोले भटूरे बहुत पसंद है। तो
वो बनाएंगे। मुझे भी बहुत पसंद है छोले भटूरे। मैं जब इंडिया जाती हूँ तो मम्मा पापा के पास जाके मैं छोले भटूरे ज़रूर खाती हूँ। वहाँ हमारा नॉर्मली डेली लंच जो होता है या ब्रंच जो होता है वो हमारा छोले भटूरे का ही होता है। और आप बताइएगा आपका वीकेंड कैसे गया, आप लोगों का संडे कैसे गया, यहाँ तो सैटरडे संडे कैसे गया। यहाँ सैटरडे में आज तो हम लोग कहीं नहीं गए क्योंकि केसेस यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और डर लगता है। अब ऑफिस जाने में भी लगता है, डर लगता है कि कोई मिल ना जाए या हमें ना हो जाए क्योंकि बहुत बुरी हालत है। खैर, ग्रॉसरी शॉपिंग हमने कर लिया, मतलब नितिन गए थे ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए और मैंने पीछे से घर का काम कर लिया, कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं और बस अब मैं टीवी देख के एंजॉय करूंगी, मस्त पढ़ाई करेंगे, पार्टी। बस यही था आज का, बच्चे खेल रहे हैं, अभी बनाएंगे हम जब छोले भटूरे तो मैं फिर से आपको लेके आऊंगी। अभी बनाएंगे हम जब पार्टी करेंगे, पौड़ी हो रही है पार्टी। चाय पीजिए आप भी हमारे साथ। घनघोर मीठा, इतना मीठा डाल दिया मैंने चाय में, बहुत मीठी चाय है पर ठीक है मेरे टेस्ट के। एक्चुअली इसमें मैंने आज चावलों में मैंने जो है वो चीनी नहीं डाली है, मैंने गुड़ डाला है और लास्ट में मैंने डाला था, शायद वो फोटो में क्लियर ना आए, मैंने डाला था रोज वाटर और आपका क्या कहते हैं उसको, सैफरन वो डाला था। तो देखते हैं कैसे बने, मेरे को तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी और खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर व्लॉग। नया दिन है पर व्लॉग पुराना है। मैं कल का ही व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, कल हम एंड करना भूल गए थे क्योंकि हम रात को इतने ज़्यादा गप्पों में बिजी थे और खाना वाना खाने में हमने अपना व्लॉग करना हमने सोचा हम बाद में करेंगे, कल करेंगे। तो आज कल का व्लॉग मैं इसी के साथ एंड करूँगी। आज हमारा कुछ खास प्लान नहीं है, संडे है, हम लोग थोड़े लेजी मूड में हैं क्योंकि बाहर मौसम बहुत गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश है और जैसे कल सन था आज उतना ही बारिश था। तो मैंने कल प्लान किया था कि मैं अपनी बालकनी को थोड़ा क्लीन करूँगी और जो फ्लावर्स हैं और जो प्लांट्स हैं उनको क्लीन करके उनको एक जगह रखेंगे, अच्छी सी लुक देंगे। बट जिस तरह से आज वेदर है उस हिसाब से तो आज बाहर जाना नामुमकिन है। देखिए मैंने बालकनी में अपना वो भी रख रखा है बाहर, क्या कहते हैं आपका, वैक्यूम क्लीनर, कि इसको साफ करके रखेंगे। पर आज देखिए कितनी तेज की हवा चल रही है, मैं सोचिए सारे ड्राई लीव्स तोड़ के आज इनको क्लीन करेंगे ताकि अब नए प्लांट्स लगाने हैं। तो यही मौसम होता है जब आप सीड सो करते हैं एंड बाय अगस्त यहाँ पर अच्छा हो जाता है, बट इतना गंदा वेदर, ये पूरे वेदर ने आज का प्लान रुइन कर दिया हमारा। अदरवाइज आज हमने बहुत सारी गार्डनिंग करनी है, बहुत ज़्यादा बालकनी गार्डनिंग करनी थी, गार्डन में नहीं बट हाँ। खैर आज तो कल जब मौसम अच्छा होगा तो हम फिर से करेंगे अपनी बालकनी का मेकओवर, अपना प्लांट्स लगाएंगे, हमने लेने भी हैं थोड़े बहुत प्लांट्स। तो नितिन कर रहे हैं अपना कुछ काम और यशिका गई हुई है नहाने के लिए, भव्या कुछ रूम में अपना काम क्लीनिंग कर रहा है। कल हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, हम लोग कल बहुत लेट सोए हैं और आज जैसे कि आज का कोई प्लान नहीं है क्योंकि मौसम ने ली अंगड़ाई और ऐसी अंगड़ाई ली कि बारिश आ रही है और ठंड है, कहीं बाहर जा नहीं सकते हम लोग। तो
और आज का कुछ आज ज़्यादा हैवी डिनर भी नहीं बनाएंगे, कल हमने बहुत हैवी खाया, तो आज का प्लान भी यही है कि हल्का सा कुछ बनाएंगे वही खाएंगे एंड देन कल से वापस से अपना जॉब शुरू। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बताया कि मेरा नया लुक, न्यू हेयर कट। बताइएगा कैसे लग रहा है न्यू हेयर कट। और दूसरा, जो आज के प्लान्स थे वो मौसम ने ख़राब कर दिए, तो होपफुली नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक हम लोग गार्डनिंग का कुछ करेंगे प्लान, ट्रीज प्लांट्स को सफाई करके प्लांट्स रीअरेंज करेंगे, क्योंकि एज सेड अब स्प्रिंग आ जाएगा तो उस टाइम पे मोस्टली लोग अपने सीड्स सो कर देते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या बात है, कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। अंटिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस वीकेंड और अ गुड स्टार्ट इन अ न्यू वर्किंग वीक। बाय बाय।